अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। हुकूमती और तालिबान कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। गिरफ्तार कबायलियों की रिहाई और मुजाकरात करने वाले ग्रुपों को कल अदम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फैसला। अफगान सदर हामिद कारजाई का पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान के मुजाकरात का खैर मकदम। अफगान तालिबान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। सिक्योरिटी खदशात पर कायद आजम और अल्लामा इकबाल के मजारात पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मजार पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स से मुबैना मुकाबला। गैंग वॉर के दो मुलजिम मारे गए। महमूदाबाद से भत्ताखोर वसीम बीटर के करीबी साथी समेत 11 मुलजिम गिरफ्तार। ईरान के साथ जौहरी माहदे की सूरत में सऊदी अरब परेशान ना हो, ओबामा की शाह अब्दुल्ला को यकीन दहानी। शामी ओपोजिशन को तैयारा शिकन मिसाइल देने पर गौर। मलाइशिया के तैयारे की गुमशुदगी के 22वें रोज पर्थ के शुमाल में सर्च ऑपरेशन जारी। नए इलाके में भी तैयारों को मुमकिन मलबे के चंद टुकड़े नजर आ गए। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर आज बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर रिमझिम होगी, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड आज जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबल होगा। न्यूजीलैंड और हॉलैंड के दरमियान मैदान भी सजेगा।